मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन होने वाला है अभी कुछ देर में, और यहाँ जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो यहाँ पुलिस बैरिकेटिंग है और पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। मैं यहाँ से जो है असी गांव से मैं लाइव हूँ और लाइव होके मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से सुरक्षा है और 144 धारा लागू है इसका, पुलिस जो है किस तरीके से पालन करा रही है और किस तरीके से चेक करने के बाद, और सबसे बड़ी बात कि पत्रकारों की लिस्ट है 63 लोगों की लिस्ट है, 63 में जिसका नाम है उसी को जाने दिया जा रहा है, और किस तरीके से नियमों का पालन हो रहा है, और यहाँ बिना किसी आईडी और बिना किसी पास का किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है। आज अखिलेश यादव के सुरक्षा में ये सारी व्यवस्थाएँ हैं और उनके सुरक्षा में कोई चूक न हो इसलिए पुलिस मुस्तैदी से देवरिया से ही तमाम बैरिकेटिंग लगाए हुए हैं। और आज 16 तारीख आइए क्या कुछ है, मैं यहाँ लाइव दिखा रहा हूँ किस तरीके से चेक किया जा रहा है और किस तरीके से चेक करने के बाद एक एक लोगों को यहाँ से जाने दिया जा रहा है, जिसके पास आईडी है, जिसके पास प्रेस कार्ड है और जिसके पास इस संबंधित कोई भी जा रहा है उसके पास अगर जो कोई प्रूफ है तो जाने दिया जा रहा है। तमाम इसमें दिक्कतें हो रही हैं कि कुछ लोग स्थानीय भी हैं तो उनको भी नहीं पहचान पाने की वजह से रोका जा रहा है, और अगर जो प्रधान आ जाए चाहे इस तरीके के आ जाए तो उनको देखने के बाद और उनकी जो पहचान हो रही है उसके बाद जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वह दोनों परिवारों से मिलने आ रहे हैं और जोगी जी मात्र एक परिवार से मिलने का काम किए हैं, तो इसलिए सिद्ध होता है कि जोगी जी जातिवादी हैं, अखिलेश यादव कहीं से जातिवादी नहीं है। आपको रोक दिया गया नेताजी, जाने नहीं दिया गया? हमको रोक दिया गया या प्रशासन के लोग लाठी डंडे लेकर के हम लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। यहाँ हजारों की 500 लोगों की संख्या लगभग इकट्ठी है लेकिन किसी को इस रास्ते से पैदल तक जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या लग रहा है कि आप अपने अखिलेश यादव मुखिया से मिल पाएंगे? हम अखिलेश यादव का अभिवादन करने के लिए आए हैं और हमको जगह जगह रोका जा रहा है। हम बरहा से चलते हुए आ रहे हैं, जब पकड़ी से लेकर के तिवई से लेकर के मदनपुर से लेकर के बराव से लेकर के हर जगह बैरिकेटिंग लगा करके रोका जा रहा है, और यह सरकार की मंशा ये प्रदेश की जनता देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। नेताजी, इस घटना को आप किस नजर से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं जो घटना यहाँ हुई है? यह घटना हुई है दोनों परिवार के लोगों की क्षति हुई है और यह प्रशासन की सरासर चूक रही है जिसके वजह से यह घटना हुई है। अगर प्रशासन मुस्तैद होता तो यह घटना होने की संभावना नहीं थी। तो योगी जी तो कह रहे हैं प्रशासन बहुत बढ़िया चल रहा है। योगी जी कह रहे हैं, योगी जी की सरकार है, योगी जी प्रशासन बहुत अच्छा चलवा रहे हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि योगी जी अगर इतने अच्छे प्रशासक होते और इतना अच्छे मुख्यमंत्री होते जा रहा है, और इनके सरकार में आंकड़ा उठा करके देख लीजिए और अखिलेश यादव के सरकार का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। आप जो है यहाँ 144 धारा लागू है और जिसका लिस्ट में नाम है और जो ऊपर से जिसका आदेश है उसी को जाने दिया जा रहा है। 144 धारा जो है फतेहपुर गांव के सीमा में लागू है, यहाँ पर 144 धारा नहीं लागू है। और अखिलेश यादव आ रहे हैं, हमारे मुखिया प्रदेश के आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो ये सारे जनता, पूरे जिले की जनता, बिहार से दूसरे जिले की भी जनता आई है और सारे लोग चक्कर लगा रहे हैं कि हम अखिलेश यादव का अभिवादन करें और उनसे हाथ मिला करके और हाथ मिला करके अधिक करने का। बुलडोजर पे क्या कहना चाहते हैं अखिलेश यादव के, से कहीं अगर बुलडोजर चलता है सत्य प्रकाश प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर चलेगा? जो जिसने प्रेमचंद यादव का किया उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी कानपुर में 3 विश्वकर्मा परिवार के लोगों को 1 शुक्लक परिवार के लोगों ने, वहाँ बुलडोजर कब चलेगा? जोगी जी इसको बताएं कि वहाँ बुलडोजर कब चलवा रहे हैं। यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि प्रेमचंद यादव है तो उसके घर पे बुलडोजर चला देंगे। अगर जो पहले गलती शुक्ला परिवार से हुई है, शुक्ला परिवार के लोगों ने प्रेम किया, उसके बाद डीएम जिलाधिकारी महोदय का भी बयान है कि वो जनता जो है प्रतिरोध में आकर के इस घटना को अंजाम दिया।